अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको बेल दिखाई देगी, उस पर भी क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी नई वीडियो की अपडेट पाते रहेंगे। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं अपने Facebook के पेज को चेक कर रहा था, उस पे एक भाई का सवाल था। उसका जो नफ्स है वो बहुत पतला और छोटा है। तो दोस्तों मैं आज ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनका नफ्स पतला और छोटा है, जिनको यह लगता है कि उनका नफ्स बहुत छोटा है और बहुत पतला है। ऐसे भाइयों के लिए मैं आज एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ, अगर आप संभोग से पहले उसको लगा लोगे तो कुछ ही दिनों में आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। आप अपने नफ्स में खुद ही महसूस करोगे कि आपकी लंबाई और आपकी जो नफ्स की मोटाई है वो बढ़ चुकी है। दोस्तों नफ्स लंबा और मोटा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही, अगर आपका नफ्स मोटा होगा तो इससे आपकी जो वाइफ है वो सेटिस्फाई होगी, और अगर आपका नफ्स लंबा है तो इससे आपकी वाइफ को मजा आएगा। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ बहुत जरूरी होती है, तो इसी वजह को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सबसे पहले आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल का बटन दबा दिया होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल रही होगी। अगर नहीं किया है तो दोस्तों अभी लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। अब मैं अपने नुस्खे पर आता हूँ। नुस्खे में आपको क्या लेना है दोस्तों? नुस्खे में आपको केवल दो चीज़ें लेनी है। इसमें सबसे पहली चीज़ लेनी है बिनौले के बीज। बिनौले के बीज जो होते हैं वो आपको किसी भी उस दुकान से मिल जाएंगे जहां पर पशुओं का चारा मिलता है, क्योंकि बिनौले जो होते हैं सर्दियों में पशुओं को खिलाए जाते हैं, ये बहुत गर्म होते हैं। तो दोस्तों आपको बिनौले के बीज लेने हैं, उनको पीस लेना है। अब कुछ भाई कहेंगे कितने लेना है, जितनी आपको जरूरत हो, जितना आपको बनाना हो उसका उतने ले लेना है। बिनौले के बीज पीस कर उसको छान लेना है। छानने के बाद उसका जो पानी निकलेगा उसको कच्चे दूध में मिलाकर संभोग से पहले लिंग पर मालिश करनी है। तो दोस्तों मात्र 15 से 20 दिन में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया और असरदार नुस्खा है। इसकी लगातार मालिश करने पर आपको आपके साइज में दिखेगी, आपकी लंबाई दिखेगी और आपकी मोटाई भी दिखनी शुरू हो जाएगी। लगाने का तरीका मैं सभी वीडियो में अपनी बता देता हूँ। जो आपका टोपा है उसके पीछे पीछे लगाना है, टोपे के पीछे वाले हिस्से पे साइडों में लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये नुस्खा पसंद आ गया होगा। बहुत ही अच्छा नुस्खा है और बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे नई और ताज़े वीडियो की अपडेट पाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकता है, फेसबुक पर मैं उसका जवाब दूंगा। और मिलते हैं, चलो दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नए एपिसोड, एक नए नुस्खे के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।